ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो आज फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करता है एब्सोल्युटली सिंपल वे में। सो मेरा एक दोस्त है जिसका मुंबई में विक्रोली में जिम है, मयूर नाम है उसका। सो बेसिकली उसने नया जिम खोला और जिम के लिए सब इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए लेट से उसे 10 लाख रुपए का खर्चा आया। उसने 10 लाख रुपए खर्चा करके वो हर साल एवरी ईयर ही इज एबल टू मेक लेट्स से 2 लाख रुपीस प्रॉफिट। 2 लाख रुपए वो हर साल का प्रॉफिट बना पा रहा है। सो वो हाउ मच परसेंटेज ही इज एबल टू मेक ऑन 10 लाख रुपीस? आप कहोगे सिद्धार्थ दैट्स वेरी बेसिक, दैट्स 20%। ऑसम। सो उस 20% को कहते हैं ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड। सो जो 2 लाख रुपए है, जो 20% है, दैट्स कॉल्ड ROCE। आप अगर screener.in पे जाओगे एंड कोई भी स्टॉक ओपन करोगे, चाहे वो ITC हो चाहे वो HUL हो, वहाँ पे आपको इस तरीके से ROCE ऑफ द कंपनी दिख जाएगा। अबाउ 15% इज कॉल्ड गुड ROCE। 15% से ऊपर अगर कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है तो वो अच्छा है, थम्स अप। सो मयूर का जिम अगर 20% कर पा रहा है, दैट्स ऑसम। अब दूसरी चीज, मयूर ने वो जो 10 लाख रुपए मैंने आपको कहे ना कि उसने जिम शुरू करने को लगाए है, वो 10 लाख में से लेट्स से उसने 3 लाख रुपए खुद के इन्वेस्ट किए थे और 7 लाख रुपया उसके दोस्तों से या किसी अंकल से लोन लिया था। तो इन दैट केस उसका कैपिटल जो इक्विटी है वो है 10 लाख रुपए का माल, जो एसेट है 10 लाख रुपए का है, बट उसको बस उसमें से उसका 7 लाख का लोन है। सो उसका जो डेट टू इक्विटी हो गया वो हो गया 0.7, क्योंकि 7 लाख का लोन है, 3 लाख खुद के है, तो 3 लाख का खुद का इक्विटी है, 7 लाख का लोन है, 7 लाख का लोन है तो 0.7 इज योर डेट। परफेक्ट राइट? अगर 10 लाख में से 10 लाख लोन होता तो 1.0 डेट टू इक्विटी होता। अगर 1 लाख का लोन होता तो 0.1 डेट टू इक्विटी होता, बट इन मयूर्स केस जो डेट टू इक्विटी है वो है 0.7, विच इज नॉट गुड। सो जबी भी आपका डेट जो है वो 0.25 के ऊपर है, 0.25 के ऊपर अगर आपका डेट जाता है तो अकॉर्डिंग टू मी, सबकी अलग अलग फिलोसॉफी होती है, सबके अलग अलग रास्ते होते हैं, एनालिसिस के मेथड्स होते हैं, बट मुझे पर्सनली 0.25 के ऊपर ज़्यादा पसंद नहीं है। सो इन मयूर्स जिम के कॉन्टेक्स्ट में दैट्स नॉट अ गुड रेशियो 0.7। सो बट अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहो तो मैं आपको कुछ कंपनी दिखाता हूँ। सन फार्मा देख लो या तो डिविज लैब देख लो, जहाँ पे 0.25 से कम है, सो दैट्स अ गुड थम्स अप। और तीसरी चीज़ जो मैं कंपनी में एज अ फंडामेंटल, मयूर का जिम अच्छा है नहीं है, जो मैं देखना चाहूँगा वो रहेगा उसका नेट प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव है कि नहीं है। भले ही मल्टीपल टाइम्स नहीं हो रहा है, बट एटलीस्ट पॉजिटिव रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर पॉजिटिव है एंड ऊपर से पॉजिटिव ग्रोथ में है, ऑसम। अगर पहले साल पे, अच्छा जो 5 साल पहले लेट्स टेक प्रॉफिटेबिलिटी थी 50,000, फिर 70,000, फिर 80,000, फिर लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, अगर ये ग्रोइंग है बेस्ट है, बट अगर एटलीस्ट पॉजिटिव भी है तो भी अच्छा है। तो मैं मयूर के जिम में ये 3 चीज़ें देखना पसंद करूंगा। इसी तरीके से मैं आपको और कुछ लाइव एग्जांपल मेरे स्क्रीन पे लेके चलूंगा और कुछ आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, रियल कंपनीज के कुछ नाम दिखाता हूँ, जहाँ पे ये तीनों पैरामीटर्स सेट होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव एंड ग्रोइंग, प्लस डेट टू इक्विटी बिलो 0.25 एंड ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अबाउ 15%। लेट्स कम ऑन माई स्क्रीन। सो सबसे पहला कंपनी जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है TCS। TCS अगर आप देखोगे ROCE तो है 54%, दैट्स फैंटास्टिक। इसके बाद में दूसरा पॉइंट मैंने आपको कहा था डेट टू इक्विटी 0.25 के से कम होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिल्कुल डेट टू इक्विटी 0.25 से काफ़ी कम है, 0.09 है। मतलब मयूर के केस में 90,000 का लोन होता तो आपको ऐसा 0.09 दिखता। सो दैट्स डेट टू इक्विटी। एंड देन बात आती है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो मैं यहाँ पे देखो प्रॉफिट एंड लॉस है, उस पर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे आऊँगा। एंड देन यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये कॉलम में, मैं अपनी टीम को कहूँगा इसको थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखा दे। सो यहाँ पे आप देखो नेट प्रॉफिट इज राइजिंग, यहाँ पे है 9,000 का नेट प्रॉफिट,
2011 में 9068 करोड़, एंड आज के टाइम पे आप देखोगे तो इट्स 38,000 करोड़। सुपर ग्रोथ ये आप देखोगे तो पिछले 5 साल से पॉजिटिव एंड ग्रोइंग दोनों है। सो गुड फंडामेंटल। आप कहोगे सिद्धार्थ फंडामेंटल एनालिसिस इतना थोड़ी होता है, ये तो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत बड़ी चीज़ है, इतना इजीली थोड़ी किया जा सकता है। आई अग्री विथ यू कि इतना सिंपल नहीं होता है, बट एज अ कॉमन मैन, एज अ रिटेल ट्रेडर, जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, फॉर एग्जाम्पल मुझे मयूर का स्टेटस जानना है कि उसकी लाइफ कैसे चल रही है, उसकी फाइनेंशियल लाइफ कैसी चल रही है, वो लाइफ में कैसा कर रहा है, पैसों में कैसा कर रहा है, तो मुझे उसके जिम में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उससे ये सब झमेला भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको एक चीज़ पूछूंगा कि भाई तेरी पासबुक दिखा। अगर वो मुझे अपनी पासबुक दिखाता है, पासबुक के अंदर नेट प्रॉफिट नेट लॉस सब दिख जाएगा कि कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। सो कंपनी के केस में भी ये नेट प्रॉफिट अगर राइजिंग है, बिना कर्जे की कंपनी काम कर रहा है, एंड खुद के पैसे डाले हुए पैसों पर रिटर्न जनरेट कर पा रहा है, अगर मैं ये 3 पैरामीटर देखता हूं, दैट्स गुड इनफ। बाकी तो फंडामेंटल एनालिसिस इनफिनिट है, कभी खत्म नहीं हो सकता है, बहुत बड़ा है। जो बड़ी बड़ी रिसर्च कंपनीज होती है, फॉर एग्जांपल मोतीलाल ओसवाल जैसे कंपनियां होती है, वो तो हर एक सेक्टर के पीछे 5-5, 6-6 लोगों की टीम बिठा के रखते हैं। बैंकिंग के लिए 6 लोग अलग, फार्मा के लिए 6 लोग अलग, FMCG के लिए 6 लोग अलग, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए दोनों के लिए 6-6 लोग अलग। सो दैट्स इनफिनिट गेम। बट एज अ कॉमन मैन, एज अ रिटेल ट्रेडर, आम आदमी, शायद ये इंफॉर्मेशन से मेरा काम तो चल जाता है। दूसरी कंपनी में अगर आपको दिखाना चाहो तो वो रहेगी इंफोसिस। इंफोसिस भी आप देखोगे, ये जो ROCE है 37.1%, डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो 0.07%, दैट्स फैंटास्टिक। एंड देन अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओ तो नेट प्रॉफिट 2011 में जहाँ पे 6,835 करोड़ था, आज के टाइम पे 22,000 करोड़ है। एंड आप देख पा रहे हो कॉन्स्टेंटली एक ग्रोथ मोड में कंपनी रहा है फ्रॉम 2011 टू आज के टाइम पे, दैट्स ग्रेट। हमें कभी संडे को फुर्सत में बैठ के निफ्टी 500 पे एक एक कंपनी में जाके इस तरीके से मेहनत करनी चाहिए। आप कहोगे सिद्धार्थ ऐसा थोड़ी होता है, हम इतना मेहनत थोड़ी ना करते बैठेंगे। पैसे बनाने हैं तो यार थोड़ा सा करना पड़ेगा। आपको अगर अरे नहीं नहीं सीधा शॉर्टकट होते हैं, स्क्रीनर ये फलाना ढिंकाना होता है, होता होगा, लेकिन जब तक आप एक लेवल के एक्सपर्ट नहीं बन जाते हो, आई डोंट रिकमेंड कोई सो कॉल्ड स्क्रीनर यूज करना। वाई, क्यों स्क्रीनर फ्रीनर क्यों यूज करना है? मेहनत करो, थोड़ा सा दिमाग को जोर दो, और भी कुछ इंसाइट्स निकलेंगी। इंसाइट्स एक ऐसा शब्द है जो आपको एक एक्स फैक्टर देता है, एज देता है ट्रेडिंग के अंदर, और जब तक आप वो इनसाइट के लेवल तक नहीं पहुंचते हो, इट्स कैन बी अ डिफिकल्ट टास्क टू ट्रेड इन मार्केट। तीसरा स्टॉक दिखाता हूं मैं आपको, हिंद यूनिलीवर, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, 24% का ROCE, डेट टू इक्विटी 0.02, फैंटास्टिक, ऑसम। इसके बाद में अगर मैं और नीचे आऊ, अगेन प्रॉफिटेबिलिटी में जाऊं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है नेट प्रॉफिट 2011 में 2,296 करोड़, आज के टाइम पे 8,800 करोड़ के ऊपर कंपनी पैसा बना रही है। फैंटास्टिक, राइट? एंड यू कैन सी दिस कांस्टेंट ग्रोथ कंपनी का। अगर मैं आपको ग्रोथ चार्ट दिखाऊं तो कुछ ऐसा रहेगा, दैट्स ग्रेट, ऑसम। और कंपनियां देखना चाहोगे या खुद मेहनत करोगे? चलो दो दिखा देता हूं मैं। ITC, फेवरेट फॉर लॉट ऑफ पीपल, 33% का ROCE, यहाँ पे आप देखोगे तो 0 डेट, 0 कर्जा, एंड आप नेट प्रॉफिट में जाओगे तो यहाँ पे 5,000 करोड़ से 15,000 करोड़ पे कंपनी है। गुड, नाइस। सो वी ऑलवेज नीड दीज काइंड ऑफ नंबर्स इन दीज काइंड ऑफ फंडामेंटल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आखिरी स्टॉक एशियन पेंट्स है, यहाँ पे 29.7% आप देखोगे, 0.11 का सिर्फ डेट है, एंड प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो 2011 में 843 करोड़ से आज के टाइम पे 3,000 करोड़ के ऊपर का नंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ग्रेट ग्रोथ,
इस तरीके से आप अगर और स्टॉक्स ढूंढना चाहो तो आपको लाइक डिविज लैब मिल जाएगा, पिडिलाइट मिल जाएगा, और काफ़ी सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो आपको इस तरीके का ग्रोथ दिखाएगा। इसके अलावा मेरा टीममेट जो था मुझे कह रहा था कि लाइक रिवर्स भी दिखा दो, तो चलो मैं आपको रिवर्स भी दिखाता हूँ कि जब ये कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो वो टाइम पे क्या होता है, वो टाइम पे स्टॉक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। सो लेट्स ओपन सुजलॉन एनर्जी। आप अगर सुजलॉन ओपन करोगे यहाँ पे ROCE आप देखोगे तो 21%, दैट्स गुड। डेट टू इक्विटी यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, 6,000 करोड़ का डेट है। सी दिस, 6,000 करोड़ का डेट है। बट देन नीचे आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाओगे, सी दिस 1300 करोड़ लॉस 2011 में, एंड आज के टाइम पे भी 200 करोड़ का लॉस। एंड आप अगर ये नंबर्स देखोगे, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव नंबर्स, 9,000 करोड़ का लॉस, 2 साल प्रॉफिट में रहा, बट देन अगेन यू कैन सी दिस लॉसेस स्टिल। यू नो राइट, लॉट ऑफ पीपल आर ट्रेडिंग इन दिस थिंग सुजलॉन, नॉट अ ग्रेट थिंग टू डू। अपार्ट फ्रॉम दैट, येस बैंक अगर आप देखोगे, ROCE इज 4%, 4.96, मतलब 5% पकड़ो, नॉट अ गुड नंबर। डेट टू इक्विटी बैंकिंग स्टॉक में नहीं देखा जाता है तो हम नहीं देखेंगे। एंड देन आप नीचे जाओगे प्रॉफिटेबिलिटी में, तो यहाँ पे आप देखोगे कंपनी वॉज ओके टिल 2018, बाद में यहाँ पे नंबर्स देखोगे तो बड़े लॉस है, एंड अभी भी कुछ ज़्यादा ठीक परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप भी जानते हो जैसा करना चाहिए क्यों, लेकिन मतलब अगर कंपनी परफॉर्म नहीं कर रहा है तो हमें जंप क्यों करना है। ROCE 5% का ROCE है यार, ये 5% के ROCE में क्या होगा, नॉट अ गुड नंबर्स। उसके बाद में आप अगर ये भेल देखोगे, सो सी दिस ROCE 2.65%, 2.65 ओनली। डेट देखोगे तो डेट ज्यादा नहीं है, 0.18, डेट इज फाइन, बट ROCE इज वर्स्ट। उसके बाद में आप प्रॉफिटेबिलिटी में देखने जाओगे, नेट प्रॉफिट 2011 में 6 करोड़, दैट्स ग्रेट। बट देन यहां से आप देखोगे 6 वाला 7,000 करोड़ हुआ 2012 में, बट वहां से कंपनी का आप डी ग्रोथ देखोगे, वहां से 400 करोड़ नीचे आधा प्रॉफिट हो गया, और आधा प्रॉफिट हो गया नेगेटिव 700 करोड़। एंड आज के टाइम में स्ट्रगल, डीपली ट्रबल कर रही है, स्ट्रगल कर रही है कंपनी प्रॉफिट बनाने के लिए। यहाँ पे 1400 करोड़ का लॉस, यहाँ पे 2600 करोड़ के ऊपर का लॉस, नॉट अ ग्रेट नंबर। बट बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो इस तरीके के स्टॉक्स में फंसते होंगे बाय करने के चक्कर में। अगर आपको कोई स्टॉक बाय करना है तो वहां पे 3 पैरामीटर्स होने चाहिए। मयूर की कंपनी में आप देखोगे तो ROCE 20 का था तो वहां पे बैठ गया, डेट 0.7 है तो दैट्स नॉट ग्रेट, एंड प्रॉफिटेबिलिटी स्टेबल एंड राइजिंग है तो वो चलेगा। इसी तरीके से आपको जब कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटली अगर आप थोड़ा सा भी कुछ बेसिक देख सकते हो तो एटलीस्ट ये 3 पैरामीटर्स देख लो, ताकि एक कॉमन मैन, एक रिटेल ट्रेडर, आम आदमी के पैसे बने जो एक जॉब करके, बिजनेस करके, हार्ड अर्न मनी, पसीना बहा करके वो जो कमाता है वो लॉस ना हो। आज इंडिया में लोगों को एक राइट नॉलेज की जरूरत है, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग व्हाट आई कैन टीच यू। हाँ, सो मेक श्योर यू अप्लाई दिस थिंग। आज संडे वनडे निकाल के फुर्सत में बैठो एंड निफ्टी 500 एनालिसिस करो, शॉर्टकट मत लो, मेहनत करो, एंड जो बेस्ट कंपनीज है उसकी एक लिस्ट बनाओ और वो लिस्ट के हिसाब से फिर आगे ट्रेड करो। अगर आप 44 भी ट्रेड करते हो, स्टिल दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। आप पहले बेस्ट कंपनीज की लिस्ट बनाओ एंड उन लिस्ट पे ही सिर्फ 44 पे ट्रेड करो, दैट विल ऑल्सो हेल्प। ऑसम, चलो ग्रेट। सो विल गो नाउ, विल मीट यू ट्यूजडे फॉर। ये वीडियो कैसा लगा ये बताना, इस तरीके के आप और फंडामेंटल पे एक सीरीज चाहते हो क्या ये बताना, और आप क्या देखना चाहोगे, सीखना चाहोगे बताना, ये वीडियो से क्या सीखा। एंड आई विल मीट यू इन नेक्स्ट ट्यूजडे एंड फ्राइडे। टिल दैट टाइम बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।